इफ वी आर सिटिंग हियर दैट मींस इट्स अ मेकअप वीडियो. मैंने फाउंडेशन लगा रखी है. दिस इज वन हैक कैन गो रॉन्ग. हाय वेलकम टू मी टेस्टिंग वियर्ड मेकअप हैक्स. वी मेक श्योर कि दिस टाइम ऑल द हैक्स आर समथिंग जो आप यूज करोगे इफ दे डू एक्चुअली टर्न आउट गुड. सो माय क्वींस लेट्स वेयर आवर क्राउन एंड बिगिन दिस वीडियो. सो हैक नंबर वन है क्लीनिंग द मेकअप ब्रशेस विद अ छन्नी व्हिच इज अ टी स्ट्रेनर. नाउ दिस इज अ रियली गुड हैक बिकॉज नॉट ऑल ऑफ अस इन्वेस्ट इन दोज मेकअप ब्रश क्लीनर्स एंड सम पीपल लाइक मी इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग इन मेकअप ब्रश क्लीनर्स दे स्टिल डोंट यूज इट. इफ दिस वर्क्स इट विल बी अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव and a good non-excuse to clean brushes regularly. So now it's time to test it. My brushes are dirty to a point where I think मैंने दो महीने से नहीं धोए. First मैं सिर्फ इसको गीला कर रही हूँ. थोड़ा सा soap directly brush पे. I'm going to lather it in the छन्नी only. Look in the basin. I'm making it a little more wet. It looks fully clean. एक साफ brush ऐसा दिखता है. Now I'm gonna put it in the छन्नी only directly. I do think कि इसको एक और बार धोना चाहिए. So just This is a dirty brush and this is a clean brush. My heart is beating a little fast because इसमें दो बाल इसके निकल गए. These brushes were super expensive. छन्नी के जो ये holes है ना, they're damaging the brush a little bit. बार बार करने से ये brush को damage तो कर रहा है, but the hack does work. I'm kind of not shocked that this worked. Second hack जो हमने pick out करा है is actually curling our hair with a straightener. Let's do it in the end. Let's finish our whole makeup first. I'm celebrating my best friend's birthday after this video. However the makeup turns out, I have to wear it out. अभी आयश shadow karte hain. If you are on Instagram, you will have seen everybody uses tape to apply eyeshadow and I've been meaning to try it too but alaspan naseeb se aaj aaya hai mahurat. I'm using some paper tape and apne lower lash line ke angle mein hi lagaungi. Ye sahi hai kya? I have no clue. हंसो मत मेरे पे. आई गो इन विद दिस कलर. जो ऑरेंजिश एंड ब्राउन टोन्स बहुत पसंद है. सो द परफेक्ट कलर टू ट्राई विद दिस हैक. अभी तो एकदम इवनली ब्लेंडेड लग रहा है. व्हाई डोंट वी टेक ये दोनों शेड्स का मिक्सचर एंड पुट देम एट द कॉर्नर. स्मॉलर ब्रश वुड बी बेटर. आई एम टू एक्साइटेड टू टेक आउट द टेप बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि रिजल्ट ना बहुत अच्छा निकला है. बट बिफोर वी टेक द टेप आउट लेट्स डू वन मोर हैक ऑफ आई लाइनर. बट वॉट इफ यू ट्रैवलिंग और आपको ज्यादा मेकअप कैरी ना करना हो. द नेक्स्ट हैक इज अ फ्राइंग अ मस्कारा लाइक एन आई लाइनर. फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज माई ट्रस्टी लॉरियल पैरिस वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा. दिस इज द ट्यूब एंड दैट्स द वॉन्ड. वी गोना टेक थोड़ा मस्कारा एंड जस्ट गो विद इट. I feel like the pigmentation is bang on, but truth to nikal ke pata chalega. It's gliding. I think we're finally ready to remove the tape. Finishing of the outer area will be the test ki second hack work kara hai ki nahi and the pigmentation. Just how the eyeliner is looking will be the test of the third hack. 3, 2, ow, ow. Look at this eye. Wow. Bro, hack number 2 and 3 have excelled in this. But this one, the mascara worked beautifully, but tape barabar nahi laga tha, toh leak ho gaya. बाहर इज सिंपली गोइंग टू टेक एन ईयरबड. आई कैन बिलीव ये अपने आईज है. दे लुक ब्यूटिफुल. दिस नेक्स्ट हैक इज द फर्स्ट हैक जिसका मुझे ज्यादा वैल्यू नहीं लग रहा है. दिस हैक वॉन्ट्स अस टू टेक सम हॉट वाटर एंड डिप आर मस्कारा इन टू इट टू गेट बेटर टेक्सचर. आई बीन यूजिंग दिस वन फॉर इजिली से 3 महीने. आई नो हाउ इट मेक्स मी फील. दिस इज द परफेक्ट मस्कारा टू ट्राई दिस हैक. हर मौसम में थोड़ा गर्म पानी लाई हूँ. नाउ लेट्स टेक अ मस्कारा, डिप इट इन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. Ready to go. ये राइट आई पे करके देखते हैं. This is literally one coat of mascara, one freaking coat, and see the difference. इतना लंबा लैश है. ऐसा लग रहा है फॉल्स लैशेस लगाए यार. I would say this hack works, but I'd like to give the major credit to the mascara only because this mascara has been my favorite since the time I tried it. I think around November, December में everybody was raving about this mascara. I'm not looking back since then. As per the result, you will know that the L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise mascara actually lengthens and gives an intense effect by gliding on the lashes very smoothly. It actually lifted it, enhanced it, and that's what makeup is about. It has a really good consistency and difference to dikhi raha hai. Dramatic effect ka credit brush ko bhi jata hai because it's a soft wavy bristle brush which has 200 plus bristles and that's what holds maximum of the product. Because fluttery effect is a one coat effect. There's no clumping, there's no flaking. Mainly na this has different caring oils which make the formula what it is. And it's good for the lashes. That's why I think it's super long lasting. I think this hack has made me the happiest. If there's one mascara I'm applying on my birthday too, it's gonna be this one.
The next hack is actually why I have left eye अभी तक नहीं करा है. I'm making sure कि mascara doesn't get on your eyelids. Although I have not faced this problem, but we're still going to try it and see कि sticky note पे कितना mascara आता है. Put it on our face, which I don't want to. मैं सिर्फ पकड़ने वाली हूँ, because I don't want to ruin this amazing eyeliner and eyeshadow we've done. Look at the sticky note. इस पे mascara तो है, so technically it works. I think ये बहुत आड़ा आता है यार. We done. So I was actually worried कि how is the makeup gonna turn out and मैं बाहर कैसे जाऊँगी ऐसे में. But I honestly think कि अपने normal से काफी better लग रहा है आज. क्या liner है? कौन बोलेगा ये अपन ने किया है? Now comes this infamous hack of contouring using a tweezer. It's only a nose hack and I don't usually contour my nose. Just taking this shade. Let's go. It's not showing up. I think मुझे liquid लेना पड़ेगा. Some dark foundation. It literally looks like dirt है मेरे face पे. This is one hack which I think can go wrong. I feel like अब अच्छा लग रहा है. यार थोड़ा ज़्यादा हो गया. Just take some light concealer. This hack does work. It was actually easier to do it, but I don't think this works with powder. I think this works only with liquid. Next hack, earbud को मुंह में पकड़ना ताकि उससे lipstick ढंग से लगे. किस प्रकार का hack है? So I went and bought. I don't have to talk with this in the mouth. Picked up the darkest liquid lipstick I have. It's this super deep brown shade. I have to bite the earbud. I am shook because I thought that this hack will be useless. छोटू flaw I have is corners तो रह ही जाएगी ना क्योंकि उधर earbud. The rest of the lips have actually turned out really well. I think इसका logic क्या है कि because you're biting the earbud, आपका inside of the lip भी बराबर expose हो रहा है so that you can apply lipstick on it. Wow, wow. But we are going to take off the lipstick because it's not going with this makeup look. Okay, next is spoon को use करना contouring के लिए, but we have actually done that before. So we're gonna modify it to brush को यहाँ पे रख के contouring करना. Placing the brush here and we're going for it. I think मेरे contour powder में कुछ problem है. We need to get new ones. हाँ ये साइड फिर भी आया है. वो आई थिंक दिस लुक्स फैबुलस. इट वर्क. क्या वीडियो है ये. ऑल द हैक्स हैव वर्कड सो फार, बट अनफॉर्चुनेटली आज आई कैन नॉट अप्लाई एनी ब्लश और एनी हाइलाइटर बिकॉज उसके हैक्स नहीं ढूंढ पाई मैं. देन वी हैव टू अप्लाई लिप बाम एज आईब्राउ जेल. फॉर दैट आई हैव दिस ट्रांसपेरेंट सा लिप बाम एंड दिस पूली ब्रश. That took us like 5 seconds. Dude, do you know the amount of money I've spent on transparent mascaras? If you're just starting makeup na, this is a beautiful hack. Amazing. Needless to say, इस वाले को भी बड़ा वाला forehead मिलता है. It worked like magic. Now I think we're on the second last hack. I wanted to continue this yaar. I am so upset. This is last makeup hack because this does not look good to me. And if this goes wrong, which it totally can, I will look so funny. Basically, अपने को dark concealer या foundation से अपने lips को overline करना है. Then we have to blend this. एंड फाइनली इसको छुपाने के लिए लिप ग्लॉस या कुछ लगाना है. तो आई हैव बॉट दिस टिंटेड पिंक लिप ग्लॉस विथ मी. ओ माय गॉड, अगेन आई लुक लाइक आई हैव डन अ लिप जॉब. नथिंग रॉन्ग विद नोज जॉब्स एंड लिप जॉब्स, बट आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड नॉट टू लुक लाइक दिस. बस नाउ वी मूव ऑन टू हेयर. आई एम एक्चुअली लविंग आवर हेयर आज. मैंने ब्लो ड्राई करे थे मेहनत से एकदम, बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वी हैव टू ट्राई दिस. आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट किए गर्म हुआ है कि नहीं. हाँ हो गया. सिंस आई लाइक आउटवर्ड कर्ल्स, लेट्स ट्विस्ट दिस आउटसाइड. लेट्स गो ऑन दिस विद अ स्ट्रेटनर. जान जल रही है मेरी ये करने को. व्हाट इफ दिस बर्न्स आवर हेयर. ज़्यादा मुझसे नहीं पकड़ा जाएगा. हल्का हल्का सा कर्ल है. चलो लेट्स ट्राई मोर पतला सेक्शन. ये सेक्शन ना बहुत अच्छे से कर्ल हुआ है. दिस हैक वर्क्स, बट फॉर मी इट डिड नॉट वर्क. बड़े बड़े क्वांटिटीज में जैसे वीडियो में दिखाया है, इट डज वर्क अगर अपन छोटे छोटे सेक्शंस ले तो. दिस इज द फाइनल लुक. ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर फ्रॉम द हैक. सो अगर आपको कुछ भी पसंद आया हैक, यू कैन यूज इट. ऑल्सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू चेक आउट द लॉरियल पैरिस वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली होगा. एंड आई विल बी गिविंग यू अ चेक इन ऑफ लाइक इंटरवल्स. Just had lunch. This is the makeup update. Lip gloss is gone because khana khane khate to nikal gaya. Especially the mascara is going strong. Another mini check-in. We're now at Madras Cafe. It's 9 hours now, and this is what people call karma karam filter box. Hi, it's 11:20 in the night. We've just almost finished dinner and this I think will be the final check-in. 14 and a half hours. We're still going freaking strong. My eyeliner's not budged because there was a mascara.
If you enjoyed watching this video, you know what to do. Give it a thumbs up and subscribe to our channel. And if you did not enjoy this video, ping that give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye!